हर हर महादेव। सभी मित्रों को जय श्री सीताराम। आज हम आपको गुरु प्रदोष व्रत कथा सुनाएंगे। मित्रों, गुरुवार को जो प्रदोष होता है उसको गुरु प्रदोष बोलते हैं। आपको ज्ञात ही है कि प्रत्येक माह में दो त्रयोदशी होती हैं, कृष्ण पक्ष की एक शुक्ल पक्ष की। उन त्रयोदशियों को पढ़ने वाले जो व्रत होते हैं वो प्रदोष व्रत होते हैं। तो कथा सुनाते हैं। एक बार इंदौर वृत्तासुर की सेनाओं के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर पूरी तरह से नष्ट कर दिया। यह देखकर वृत्रासुर अत्यंत क्रोधित हो गया और स्वयं युद्ध के लिए उद्यत हुआ। उसने अपनी आसुरी माया का उपयोग कर एक विकराल रूप धारण कर लिया। भयभीत देवता गुरुदेव बृहस्पति की शरण में गए। देवताओं के गुरु हैं गुरु बृहस्पति, आपको ज्ञात होगा। बृहस्पति महाराज बोले, पहले मैं तुम्हें वृत्रासुर का वास्तविक परिचय दूं कि वृत्रासुर एक बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ व्यक्ति है। तो मित्रों, गुरुवार के दिन अब की बार पड़ रही है त्रयोदशी 1 अगस्त की, इसीलिए इस बार जो कथा होगी वो गुरु प्रदोष व्रत की कथा होगी जो हम आपको सुना रहे हैं। तो बृहस्पति महाराज बोले, पहले मैं तुम्हें वृत्रासुर का वास्तविक परिचय दूं। वृत्रासुर एक बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ व्यक्ति है। उसने गंधमादन पर्वत पर देवों के देव महादेव के लिए घोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया है। अपने पूर्व जन्म में वह राक्षस चित्ररथ नामक राजा हुआ करता था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। वहां शिवजी के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देखकर उसने उपहास पूर्वक कहा, उपहास उड़ाने लगा महादेव का, कहा कि हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, पर देवलोक में ऐसा नहीं होता कि स्त्री आलिंगनबद्ध होकर सभा में बैठे। शिव शक्ति के बारे में वो मूर्ख ऐसी बातें करने लगा। चित्ररथ के यह वचन सुनकर सर्वव्यापी भगवान शिव शंकर हंसकर बोले, अरे मूर्ख, मेरा अपना दृष्टिकोण है, मेरा अपना अलग दृष्टिकोण है। मैंने समुद्र मंथन से निकले विष को अपने कंठ में धारण किया। सारे संसार के हलाहल को भगवान भोलेनाथ पी गए। वही बात भगवान भोलेनाथ बता रहे हैं कि मैंने समुद्र मंथन से निकले विष को अपने कंठ में धारण किया है और तुम मेरा ही उपहास करते हो। माता पार्वती क्रोधित होकर चित्ररथ से बोली, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर और मेरा भी उपहास उड़ाया है, अतः मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि फिर तू ऐसी दृष्टता ना करे, फिर तू ऐसे संतों का उपहास। भगवान भोलेनाथ के साथ साथ माता पार्वती को भी बहुत क्रोध हो गया। तो माता पार्वती ने कहा कि अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर।
माता पार्वती ने शाप दे दिया। माता पार्वती के अभिशाप से चित्ररथ राक्षस योनि में जन्मा, अत्वष्टा ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न हो वृत्रासुर बना। गुरुदेव बृहस्पति आगे बोले, हे हरि, हर हर महादेव। शिव शंभु, तो गुरुदेव बृहस्पति आगे बोले, वृत्रासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा है। आप लोगों को पता होगा कि जितने भी राक्षस और जितने भी महाबली लोग संसार में अब तक हुए हैं, हमारे इतिहास में, हमारे अध्यात्म में, उनमें से अधिकतर भगवान भोलेनाथ के ही भक्त रहे हैं। उसका कारण यह है कि भगवान भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले भगवान हैं। तो वृत्रासुर भी बाल्यकाल से भगवान शिव का ही भक्त रहा है। अतः हे इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत कर शंकर भगवान को प्रसन्न करो। ये देवताओं के गुरु बृहस्पति ने इंद्र को कहा। देवराज इंद्र ने गुरु बृहस्पति के कहे कथन का पालन किया और फिर उनसे आशीर्वाद लेकर गुरु प्रदोष व्रत का पालन विधिवत किया। इस व्रत की फलस्वरूप इंद्र का कल्याण हुआ, इंद्र को अपार शक्ति प्राप्त हुई और भगवान शिव का आशीर्वाद मिला, जिसके कारण इंद्र ने देवलोक पर अपनी विजय प्राप्त कर ली और फिर देवलोक में शांति स्थापित हो गई। अब थोड़ा सा भगवान महादेव का कीर्तन करेंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे। भैया